फैसिलिटी मिलती, उनके परिवार की भी सिक्योरिटी मिलती है, कि उनका परिवार भी सिक्योर होता है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने किया, दोस्तों चार साल के बाद जो एक यूथ वापस आ गए, उधर अब सारे घर का जो बजट है वो खराब हो चुके सारिया चीजा ने इधर अगर आवाज चुनाव लगभग कोई तो कांग्रेस पार्टी होग हर बीजेपी डरा रही है तो कांग्रेस पार्टी को ही डरा रही है। ये जिन्ना मर्जी ने जरा 20,000 करोड़ रुपया लगे राजनीति कांग्रेस को सुना है। नौजवान जो असा बदलता वह देश भी बदली चाहते एक नौजवान से ज्यादा ज्यादा नौजवान आगो असी थोड़ा क्या कहीं हंधा कोई गए उसे असं दिन उसी जाऊता कोई इतने बैठते हैं अस नारी जी मैं आया था मरीज ने कहते अस तो मैं ज्यादा नहीं बोलता थोड़ा उसके चल जय हिंद जय भारत। पूरे भारत वर्ष में चल रहा है जिस तरह से डेमोक्रेसी को हमारे लोकतंत्र को आज खत्म करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा। आज ये प्रोग्राम हम यहाँ बिलावर में करने जा रहे हैं। आप सभी जो बिलावर के यहाँ पर सिटीजन आए उनका धन्यवाद करती हूँ और यहाँ पर मैं बारी बारी से कहूंगी और यहाँ पर आकर अपना विचार रखें। फिर ये नहीं करता कि आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो या कौन सी टाइम आ रहे हो, लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत है कि आज देश की स्थिति क्या है। जिस तरह से आज लोकतंत्र को डेमोक्रेसी को भारत देश की खत्म किया जा रहा है वो सच में चिंताजनक बात है। आज एक युवा पढ़ाई करता है, माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं कि उनका बच्चा पढ़ेगा, कल को अच्छी नौकरी करेगा और अच्छी जगह पर पहुंचेगा, लेकिन आज वो युवा दर बदर भटक रहा है। आज महंगाई की बात कर लो, उस वक्त जब महंगाई उन्होंने कहा तो भाजपा के लीडर्स रोड पर उतर कर लेट गए कि भाई बहुत महंगाई हो गई, अब हम इसको झेल नहीं सकते। लेकिन आज वो उनके लीडर्स दिखाई नहीं दिखते कि आज उनको वो महंगाई नहीं दिख रही, क्योंकि जो ये लोग कह रहे हैं ना कि भाजपा में चाहे कोई भी जाएगा, गुंडा भी जाएगा, तो वहाँ पर जैसे वहाँ पर आजकल वो मुहिम चल रही है, वो ममता दीदी वो चला रही है कि वॉशिंग मशीन में डाल दो, उनके जितने भी लीडर जाएंगे जो भाजपा में जाएंगे उनके सारे जो पाप है वो धुल जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं वो बात सच्ची है। तो आप सभी से मैं आग्रह करूंगी कि कांग्रेस के हाथ को मजबूत कीजिए। आपके बिलावर में कई समस्याएं हैं, आपके पास चेहरे हैं, आपके पास नेता है और युवाओं को इस पॉलिटिक्स में आने की मैं चाहती हूँ कि जरूरत है। जब तक पढ़ा लिखा युवा राजनीति में नहीं उतरेगा, अनपढ़ इस तरह के हम पर राज करेंगे, तो आपको ये चीज को सोचने की जरूरत है और इस फील्ड में आने की जरूरत है और सोचने की, ध्यान से आपके इलाके की बात करने की जरूरत है कि आपके इलाके में क्या स्थिति है और उससे हमें कैसे निपटना है, ये आप लोगों को सोचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बदल दो ताज, बदल दो इन बेईमानों का राज, बदल दो तख्त, बदल दो ताज, बदल दो तख्त, बदल दो ताज, बदल दो तख्त, बदल दो ताज, बदल दो मोदी अडानी, मोदी अडानी, मोदी अडानी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी जी, राहुल जी आगे नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राहुल जी आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं, राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, मोदी अडानी, मोदी अडानी, मोदी अडानी, मोदी अडानी, मोदी अडानी, मैं जिला जाता बनने ये सत्याग्रह आंदोलन जड़ा है ये सच की जीत असी सारे कट्ठे होए हैं। तुसी सारे पता है कि राजीव गांधी और अपना राजीव गांधी हुंदे सपुत्र राहुल गांधी जी जिन्हें गी जिंदी सदस्यता जिहड़ी है वो बीजेपी ने ते रद्द कराई थी, जड़ा के एक बड़ा बड़ा उल्लंघन होएगा। इस हुकूमत ने डेमोक्रेसी जड़ी है उसी इस तरह कुचलना लादा कि जिसकी कोई सीमा नहीं रही, हद नहीं रही। हर कोई
इंदे कोला दुखी हो चुका, दुखी इस हद तक हो चुका कि अज सा कोई भी नौजवान जड़ा है तुसी दिखो पढ़ा लिखा जड़ा है वह बेला घर बैठा नौकरियों का ना ही मुकी गया, रोजगार का ना ही मुकी गया, महंगाई इस चरम सीमा तक चली गई है कि गरीब लोग जड़ा वह बेचारा एक बेला रोटी खाता था दुए बेले का उसी बेचारी सोचना पौता कि मैं किया जा दूए टाइम रोटी खाँग। इतनी अच्छी वाइब्रेंट तरीके ने सारी गल्ला गिने रेडियो मेरे से थोड़ी जी मचाई ने सारियाँ और जिन्हें भी तुम सारे इतने आए दे साढ़े इतने आने का मकसद यही है कि कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश व्यापक च एक प्रोग्राम जय भारत सत्याग्रह छोड़े दा और खासकर जी लोकतंत्र की हत्यावादी है और लोकतंत्र की जी लूट इस पूरे मुल्क च छाईदी है। लोकतंत्र की बचाने साढ़े जो राष्ट्रीय नेता न राहुल गांधी ने जो अभियान छड़े दा उस सिलसिलेवार कड़ी च अज थोड़े इतने बिलावर तहसील मुख्यालय च अस जिले के हर तहसील मुख्यालय च प्रदर्शन करा रहे हैं जो बड़े ब्लाक या बड़े ग्रां च सिर्फ लोगों की जागरूक करने से कि मोदी सरकार ने जड़ा पिछले 9 साल की जी लुट खसुट पाई दी है इस देश की अलगाव वाले पास है, इस देश की तोड़ने वाले पास है, इस देश की एक विभाजन वाले पास लै दे उसी रोकने से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथी साढ़े जिला स्तर पर ब्लाक स्तर पर सारे लोग प्रयास कर रहे हैं उस कड़ी च अज थोड़े को भी अस रूबरू हो रहे हैं और नौजवानों के इतिहास है अपने बेरोजगारी की दूर करने कांग्रेस अज लामबंद है और कांग्रेस अज एकजुट है सारी और इतने थोड़े कने रूबरू होवा दी है। 5 अगस्त 2019 के बाद जो सा स्टेट रूट छीनिया गया सारी रियासत जी तोड़ी गई है उसके बाद जो हालात ने इतने बड़े संगीन हो गए और विशेषकर इस रियासत का एक विशेष दर्जा है। ये रियासत को पहले अस देश है देश को जल्द हिंदुस्तान च विलय होया अस रियासत बने और इस भारतीय जनता पार्टी ने सानू एक यूटी च कन्वर्ट करीता उसके खिलाफ सानू सारे संघर्ष करने पौना और अस सारे अज हक हकूक सारे छीने जा रहे साड़ियां नौकरियां बाहर के लोगों दी जा रही साड़ी जमीना तुसी शहरें जा बाकी दुनिया से जाओ उत्थे दिखो उत्थे तो सारे देखिए कि बाहर के लोग इतने बसा दे इंडस्ट्रियां ला दे उसके वास्ते सानू एकजुट होने पौना साढ़े इतने छोटे छोटे साधन छोटे छोटे संसाधन उनकी रोकथाम वास्ते सानू सारे जागरूक हो लोग नहीं खड़ोते ये चीज़ा जड़िया रुकनिया रही अज भारतीय जनता पार्टी इस रियासत का कोना कोना एक एक चीज़ इतों बेचना चाहती है सारे साधन संसाधन खत्म करना चाहती है उसके खिलाफ असें सारे संघर्ष करना और अस तुसें सारे की इयै गलागे कि कांग्रेस कन्ने जुड़ो अज कोला पहले भी इतने अज कोला तुसे जो 2014 कोला पहले कांग्रेस इतने मजबूत रही तुसे कांग्रेस के लोगों की जिताया वह MLA बने मिनिस्टर बने और अज वो लोग अज दूर खड़ोई है इस कुशासन के खिलाफ संघर्ष नहीं करा रहे हैं वो सिर्फ अपनी जान बचाने कांग्रेस को उन्हें दूरी बचाई दी है। अस जिन्हें भी साढ़े इतने लोग न जो लोग कांग्रेस को विमुख होए दिन जोड़े लोग सैकुलर सोच ही रखते हैं जोड़े सैकुलर ताकतें कहीं चलना चाहते हैं इस देश की अगर चलाना चाहते हैं सारे भी अपील करके कि कांग्रेस कहीं जुड़न और खासकर नौजवान ज्यादा को ज्यादा कांग्रेस कहीं जुड़न ताकि अस देश की तरक्की करी सकते उस रियासत का होया हुआ स्वाभिमान और स्वरूप अस वापस हासिल करी सकते और अस सारे लोगों संघर्ष करना कट्ठे हुई है अपने स्टेट रूट वास्ते और अपने नौजवानों की नौकरी करने वास्ते और खासकर राहुल गांधी ने जो अभियान जो संसद से छेड़िया जोड़ा मोदी अडानी का जो कंबीनेशन है और 20,000 करोड़ रुपए जो शैल कंपनियों लगे उसके खिलाफ जो संघर्ष है उसके पूरा देश उन्होंने खड़ोते भावें उन्हें अपनी सदस्यता जी है जरा कि ने शार्ट पीरियड से जुडिशरी ने 2 साल से गए उन्हें सजा दी पूरी और उनकी सदस्यता रद्द की फिर उन्हें आख्या तुम अपना मकान खाली कर दो उनके सारी चीजें के खिलाफ कांग्रेस संघर्ष करते अस राहुल जी कन्नै खड़ोते हैं तुम सारे साथी इतने साड़ी गल सुनने वास्ते आए हो अस तुसें गी अपील करगे साड़ा सुनेहा जिन्ना भी साढ़े साथी हैं बिशू हो रहे हैं जगदेव हो रहे हैं श्याम हो रहे हैं या मैडम सुनीता हो रहे हैं या काजल राजपूत होने गल सुनाई है साड़ी सारी गल जी है ग्रां ग्रां जाइए घर घर जाइए साड़ी तुसें गल फलानी है और इस सरकार की असें उखाड़ी फेंकना है और असें सारे लोगों संघर्ष करना और एकजुट होइए मेहनत करिए इस जम्मू कश्मीर वास्ते अपने लोगों के इतिहाद वास्ते हिंदू मुस्लिम सिख की एक यूनिटी वास्ते असें लोगों सारे काम करना तुम सारे लोग अज इतने आए हो थोड़ा सारे का बड़ा बड़ा शुक्रिया थोड़ा सारे का धन्यवाद जय निखार ही निखार है तभी तो आज बिलावर में चल रही शुद्ध द्वार है। ये पंक्तियाँ मैं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पंकज जोगरा के लिए कहना चाहूँगी जिन्होंने बिलावर की पावन धरा पर आकर आज यहाँ पर सभी को जागृत करने का प्रयास किया। मैं तो ये चाहती हूँ कि जैसे पूरे देश में ये चल रहा है ये आंदोलन
सभी लोग, क्योंकि अगर हम एक से एक जुड़ेंगे तभी हम लोग जो है इस आंदोलन को कामयाब बना सकते हैं। ये कोई पुराना नहीं, नया नहीं है, ये पुराना ही है। गांधी जी की तरह से हम लोग चल रहे हैं। जिस प्रकार उस समय अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमारी कांग्रेस एक पार्टी नहीं, ये विचारधारा है, क्योंकि उस समय कुछ लोग जो थे वो उनके पास, अंग्रेजों के पास जाते थे अपनी मांगे मनवाने के लिए, तो कुछ लोग जो थे उन्होंने वो मनोनीत किए सदस्य कि आप लोग जो हैं, अंग्रेजों ने ही कहा कि आप लोग क्या करो, थोड़े से आकर हमें अपनी जो मांगे है वो बताओ, क्या प्रॉब्लम है। तो वो लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू थे या गांधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, अब इनकी बातें जो हैं वो उन्होंने एक अपनी वो रखी। तो जैसे ये बात कर रहे थे मेरे भाई साहब जो कि वहाँ से आए हैं कठुआ से, कि नरम दल और गर्म दल की बात, तो जैसे आप जैसे युवा चाहिए हमें जो कि इन लोगों के खिलाफ लड़ सके। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये जो बीजेपी सरकार है ये अंग्रेजों का ही दूसरा रूप है। जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों पर जुल्म किए थे उसी प्रकार ये तानाशाही शासन कर रहे हैं, और उस तानाशाही शासन के माध्यम से ये हमें गुलाम बना लेंगे। आज भी हम, आज देखो यहाँ पर बहुत से लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि हमारे साथ इतने लोग हैं जो आए हुए हैं, बहुत से लोग हैं जो कि अंदर से ये बोलते हैं कि नहीं ये बड़े वो हैं ऐसे, लेकिन इनसे डरते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने अपना तानाशाही रूप जो है ऑटोक्रेसी डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। जैसे आपने अभी देखा कि सदस्यता रद्द कर दी राहुल गांधी जी की, तो इन्होंने ऑटोक्रेसी शासन जो है, तानाशाही शासन को वो किया है। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे।